काउंटिंग कैसे करते हैं। तो जैसे इंग्लिश में होता है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड हिंदी में होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। बट कोरियन में हमारे पास 2 काउंटिंग यूनिट्स होते हैं। एक होता है प्योर कोरियन विच इज नेटिव कोरियन एंड दूसरा होता है साइनो कोरियन जो कि चाइनीज कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन कोरियन प्रोनाउंसिएशन के साथ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेटिव कोरियन नंबर्स को हम कैसे यूज करते हैं काउंटिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। हाना दुल सेथ। यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो सेथ है इसमें जो थर्ड लेटर है वो तो स है लेकिन इसको हम सेस नहीं कहेंगे, इसको हम सेथ कहते हैं। ये जो स है ये त में कन्वर्ट हो जाता है एंड इवन ये जो त है ये बहुत ही स्लाइट प्रोनाउंसिएशन होता है इस त का, तो हम कहेंगे सेथ। नेथ वैसे ही था सौत यौ सौत इल्गो यौ दौल आहो यौल हाना दुल सेथ नेथ था सौत यौ सौत इल्गो यौ दौल आहो यौल। अब हम देखेंगे कि 10 के बाद हम कैसे काउंटिंग करते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 11। अब 11 वी नो कि 11 में टेंस प्लेस पे वी हैव 1 एंड 1s प्लेस पे भी वी हैव 1 लेकिन जो टेंस प्लेस वाला 1 है हम उसको पढ़ते हैं 1 times 10 plus 1। वैसे ही हम 12 को पढ़ेंगे 1 times 10 plus 2। 22 को हम पढ़ते हैं 2 times 10 plus 2। तो ऐसे हम टेंस प्लेस और वंस प्लेस को अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास है 11 इट मीन्स 10 plus 1 विच बिकम्स 11 तो हम बोलेंगे योल हाना योल हाना। 12 बिकम्स योल दुल 13 बिकम्स योल से 14 इज योल ने। वैसे ही हम सारी काउंटिंग करेंगे टिल वी रीच 20। अब जो 20 आता है 20 को हम योल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम 20 को बोलेंगे स्मुल स्मुल। 21 विल बी 20 plus 1। ऐसे हमने टेंस प्लेस और वंस प्लेस को अलग अलग कर दिया तो 20 इज स्मुल और 1 इज हाना तो 21 बिकम्स स्मुल हाना। 22 इज स्मुल दुल 23 इज स्मुल से then smul nit smul thasot smul yosot smul ilgop smul yodol smul ahop। फिर हमारे पास आएगा 30। अब 30 के लिए हमारे पास अलग नंबर होता है जिसे हम कहते हैं सौरन सौरन। तो 31 होगा सौरन हाना। 32 इज सौरन दुल 33 इज सौरन से then सौरन नित। ऐसे करके हम आते हैं 40 पे। 40 होता है माहन। अब हम वैसे ही अगर 42 बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे माहंदुल। 50 बिकम्स श्विन 55 विल बी श्विन था सौत। तो ऐसे ही 60 बिकम्स ये सुन 62 विल बी ये सुन दुल 66 विल बी ये सुन यो सौत। 70 इज इरहन 80 is yodin yodin 90 is ahan ahan। Can you guess what 99 will be? 99 will be ahan aho kyunki yahan pe tens place mein hai hamare paas 90 and ones place mein hai 9 and 90 is ahan and 9 is aho so it becomes ahan aho। Ab dekho jab hum 100 mein aate hain 100 के लिए हमारे पास कुछ भी नेटिव कोरियन का काउंटिंग यूनिट नहीं है। जैसे ही हम 100 पे आते हैं वैसे ही काउंटिंग नंबर्स बन जाते हैं साइनो कोरियन। तो 100 विल बी हेक। ये जो फेक है ये नेटिव कोरियन नहीं है, ये साइनो कोरियन है जो कि इस लेसन में आपको नहीं पढ़ाऊंगी मैं। सो पीपल आर्स एजेस या थिंग्स और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम साइनो कोरियन को यूज़ नहीं करते, इनमें हम सिर्फ नेटिव कोरियन यूज़ करते हैं और साइनो कोरियन हम कुछ दूसरी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि हमें कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इन चीज़ों में वी हैव टू यूज़ नेटिव कोरियन ऑलवेज एंड इन चीज़ों में वी हैव टू यूज़ साइनो कोरियन ऑलवेज।
So this was it, guys. Try practicing these numbers one by one. They may seem difficult in the beginning, but slowly you'll get the idea and you'll start remembering these numbers in your mind. And इनको जल्दी जल्दी बोलना बहुत आसान हो जाएगा. If you like this video, please don't forget to hit like button and subscribe to this channel.